टमाटर का पौधा है इस तरीके से, ये सब ये मैंने घर के टमाटर से ही लगाए हुए हैं, जो घर में हमारी किचन में डेली टमाटर आते हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना टमाटर लगे हुए। तो आप भी ने ऐसे घर में छोटी छोटी नर्सरी बनाइए, छोटा छोटा किचन गार्डन बनाइए, और मन में भी खुशी लगती है कितनी कि देखो कि हमारा हमने खुद ही ग्रो किया इन्हें। बेल है और ये घर के ही जो करेले आते हैं मैंने उन्हीं को गमले में ग्रो किया है। ये देखो छोटे छोटे बहुत सारे लग गए हैं इस पर, और इसमें एक ये इतना बड़ा लग गया है ये देखिए। तो आप भी अपने घर के गमले में इस तरीके से, और देखिए गमला भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, तो जब ये बहुत सारे हो जाएंगे तब आपको दिखाएंगे। ये मैंने भिंडी का पौधा लगाया था इस तरीके से, और ये भिंडी हमने इसमें ये छोटी भिंडी, और ये देखो मैंने दो तीन दिन से इसे तोड़ा नहीं तो ये कितनी बड़ी हो गई है। आज मैं आपके सामने से निकाल रही हूँ। ये देखो, और ये है छोटी भिंडी। अगर हम इस भिंडी को इसी में लगाए रखते तो इसी में इसके बीज बन जाते। अभी इसमें दो तीन भिंडी छोटी छोटी लगी हुई है, तो वो इसमें इसको मैं फिर बीज के लिए छोड़ दूंगी। आप भी अपने घर के, ये मैंने करेले का पौधा लगाया हुआ, करेले की बेल है ये, और ये घर में ही जो कई बार हम करेले लाते हैं वो पके हुए निकलते हैं, तो उन्हीं से ही बनाया ये मैंने। और ये देखिए एक ये इस तरीके से पक गया है, इसमें भी ऑरेंज कलर के बीज आ गए हैं। मैं इसमें हरे वाले तो इस तरीके से ग्रीन थे वो तो मैंने यूज़ कर लिए, लेकिन अब एक इसमें इस तरीके से ये बन गया। मैं आपको दिखाती हूँ तो इसके सीड या बीज वो कैसे निकलते हैं। ये देखिए जब हम इसे इस तरीके से मूव करेंगे, ये देखिए यही बीज होते हैं अंदर से, जो कि पहले मैं इनको धो के इस पे से ये झिल्ली सी उतर जाएगी और फिर ये ही उग जाएंगे। और जितने देखो कितने सारे एक बीज से कितने सारे तो करेले बन गए हैं, और इसमें चार बीज और निकले हैं अंकुरित होने के लिए। तो देखिए अभी भी इसमें और करेले भी आएंगे क्योंकि फ्लावरिंग अभी हो रही है।